सो बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000। देखो चैनल पे ऑलरेडी 40,000 एंड 50,000 ये दोनों ही वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सो इन केस अगर आपका बजट 40,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए है तो आप उन वीडियोस को चेक कर लेना। एंड एक चीज है यार कि देखो जो 45,000 वाला बजट है उसमें बहुत ही कम लैपटॉप होते हैं जिन्हें हम एक्चुअल में कंसिडर कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी पे आप कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ट्रेडिंग और अकाउंटिंग जैसे काम बहुत ही आराम से कर पाओगे। सो नाउ लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000 रुपीज। तो सबसे पहला लैपटॉप जो कि 45,000 के बजट में आपको मिलेगा दैट इज डेल वॉस्ट्रो 3510। लैपटॉप का जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 44,000 रुपीज। एंड एक फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। एंड इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। एंड बहुत से यूजर्स को अपने लैपटॉप में एक बैकलिट कीबोर्ड चाहिए होता है तो इसमें आपको वही मिल रहा है। बैकलिट कीबोर्ड है फुल साइज विद नमपैड। इंटेल का प्रोसेसर है लैपटॉप में i3 11th generation। एकदम ही पावरफुल एंड प्रोसेसर की कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। एंड ये जो लैपटॉप है ये पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ भी है बिकॉज इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है वो दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल है। एक तो 8GB की रैम मिलती है DDR4 2666 MHz की एंड साथ ही में एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट मिलती है जिसे यूज करके आप 16GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB की SSD M.2 NVMe एंड साथ में एक्स्ट्रा 2.5 इंच स्लॉट मिलती है टू एक्सपेंड दिस स्टोरेज। इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इसमें। लैपटॉप में प्री इंस्टॉल विंडोज 11 मिलती है, साथ में MS ऑफिस का भी एकदम ही लेटेस्ट वर्जन है 2021। इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई प्लस ब्लूटूथ की सपोर्ट है। एंड एक बढ़िया चीज है कि इसमें आपको सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं एंड साथ ही में ईथरनेट पोर्ट भी दी गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में आजकल आपको ईथरनेट पोर्ट कम मिलती है। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है उसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कंपनी का कहना है कि इसमें आपको पूरे 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा लेकिन टेस्टिंग के दौरान इसने नॉर्मल यूजेज पे अराउंड 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप दिया था तो आपको भी इतना ही मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जो भी इस बजट के लैपटॉप्स में आपको मिलता है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। बढ़िया प्रोसेसर, बैकलिट कीबोर्ड, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह एंड डेल का लैपटॉप है। ड्यूरेबिलिटी एकदम ही बढ़िया इसकी, जरूर कंसीडर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000 रुपीज इज एसर एस्पायर 3। एक तो एसर की एकदम ही तगड़ी सीरीज है ये एंड ऊपर से आपको इसमें राइजन 5 प्रोसेसर मिल रहा है। आपको बता दूं कि इस बजट में मोस्टली आपको i3 या फिर राइजन 3 प्रोसेसर मिलते हैं लैपटॉप में। सो राइजन 5 प्रोसेसर इन दिस बजट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। प्रोसेसर की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। 8GB की रैम DDR4 एंड ये ऑनबोर्ड रैम है बट ऑनबोर्ड रैम होने के बावजूद भी इसकी रैम एक्सपेंडेबल है क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट दी गई है जिसे यूज करके आप 12GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। एंड इसी की तरह 512GB की NVMe SSD है लैपटॉप में एंड इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, अप टू 2TB तक इसकी स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हो। सो बेसिकली इसकी भी रैम एंड स्टोरेज दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल है। AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स, विंडोज 11 मिलती है प्री इंस्टॉल एंड साथ में MS ऑफिस भी मिलेगा आपको प्री इंस्टॉल, लेकिन ये फुल वर्जन नहीं है बल्कि एक महीने के ट्रायल बेसिस पे मिलेगा। डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 4.2। लैपटॉप में सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिलती है। बैटरी बैकअप अराउंड 5 घंटे तक का मिलेगा आपको एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो एक फुल साइज डिस्प्ले है 15.6 इंचेस की फुल HD। सो हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप, जरूर जरूर कंसिडर करना इसे। अगला लैपटॉप है Asus Vivobook K15। करंट प्राइस अराउंड 46,000 रुपीज है लेकिन पहले यही लैपटॉप काफी महंगा सेल होता था। इसकी एक खासियत है जो कि इस बजट के आपको दूसरे किसी लैपटॉप में नहीं मिलेगी एंड दैट इज कि इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की फुल HD OLED IPS लेवल डिस्प्ले विद 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 100% DCI-P3। ऐसा कह सकते हैं कि इस बजट के लैपटॉप में सबसे बेस्ट डिस्प्ले अगर किसी लैपटॉप की है तो वो इस लैपटॉप की है। आफ्टर दैट लैपटॉप में आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलेगा प्लस नमपैड भी है एंड ये एक बैकलिट कीबोर्ड है। फॉर बेटर सिक्योरिटी इट ऑल्सो हैज फिंगरप्रिंट सेंसर इन इट। प्रोसेसर भी एकदम ही तगड़ा है इसका, इंटेल कोर i3 11th generation। इसमें आपको 8GB की रैम मिलती है टोटल 3200 MHz वाली DDR4, लेकिन 8GB टोटल रैम में से 4GB ऑनबोर्ड रैम है एंड 12GB तक की रैम को ये लैपटॉप सपोर्ट करेगा। सो द रैम इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। स्टोरेज 256GB की M.2 NVMe SSD है बट एक्स्ट्रा 2.5 इंच स्लॉट दी गई है to expand the storage। Intel UHD graphics, Windows 11 मिल जाती है pre-installed, साथ में MS Office 2019 with lifetime validity, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, एक ईथरनेट को छोड़ के बाकी सारी necessary ports की support मिल जाती है लैपटॉप में। बैटरी बैकअप भी बढ़िया, अराउंड 6 घंटे आराम से चल जाता है। सो ऑल इन ऑल एकदम ही बेस्ट लैपटॉप है अंडर 45,000 रुपीज। डू कंसिडर दिस वन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट।
अब ये जो लैपटॉप है ना, ये ऐसा लैपटॉप है जिसे कहीं पे भी कैरी करना एकदम सबसे आसान है। एक तो ये मेरी लिस्ट का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है, इट वेज ओनली 1400 ग्राम्स, एंड दूसरा एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप है विद 14 इंचेस ऑफ डिस्प्ले, HP 14S। लैपटॉप का करंट प्राइस अराउंड 42,000 रुपीज है, एंड इसमें आपको 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। एंड देखो लैपटॉप में आपको टोटल रैम के दो स्लॉट्स मिलते हैं, पहले तो इसमें आपको 8GB की DDR4 रैम मिलती है 3200 MHz वाली, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा जो एम्प्टी स्लॉट है उसे यूज करके हम 16GB तक रैम इसकी एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की M.2 NVMe SSD है, एंड दिस स्टोरेज इज आल्सो एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। AMD Radeon Vega 6 ग्राफिक्स है लैपटॉप में, विंडोज 11 है एकदम ही लेटेस्ट, साथ में MS Office 2019 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 4.2, एक ईथरनेट को छोड़ के बाकी सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट आपको इसमें भी मिल जाती है, अराउंड 6 घंटे का बैटरी बैकअप, और इसमें भी आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा। एंड ये जो लैपटॉप है ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लाइक 50% बैटरी अराउंड 40-45 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। एंड सच्ची बता रहा हूँ, एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इसमें। पर्सनली काफी देर से इस लैपटॉप को मैं यूज कर रहा हूँ, दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एंड 14 इंच के साइज में एक और ऑप्शन बताता हूँ आपको, एकदम ही बेस्ट है ये MSI Modern 14। देखो बाकी सारा कुछ इन दोनों ही लैपटॉप्स में कम्प्लीटली सेम है, बस MSI वाले का प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिर उसमें आपको 256GB की स्टोरेज मिल रही है, एंड HP वाले में हमें 512GB की स्टोरेज मिल रही है। आप एक चीज करो कि पहले तो वीडियो को पॉज करो, एंड इनके जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें अच्छे से चेक करो, आफ्टर दैट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करो दोनों में से किसी भी लैपटॉप को कि आपको प्रोसेसर बढ़िया चाहिए या फिर ज्यादा स्टोरेज चाहिए। दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं, लिंक दोनों की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डू चेक इट आउट। एंड नाउ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000 रुपीज इज Lenovo IdeaPad 3। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो 45,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको जो भी एक लैपटॉप में मैक्सिमम मिल सकता है वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, एंड कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप में नहीं है। लाइक सबसे पहले तो इसमें आपको पूरे 2 सालों की वारंटी मिलती है, जो कि बाकी सभी के कंपैरिजन में डबल वारंटी है। एंड ये जो लैपटॉप है ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 80% बैटरी सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाती है इसकी, प्राइवेसी शटर कैमरा भी है, आफ्टर दैट इसमें आपको लेटेस्ट Windows 11 के साथ ही लेटेस्ट MS Office 2021 मिलेगा, एंड बोथ कम्स विद लाइफटाइम वैलिडिटी। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड प्रोसेसर इंटेल का इंटेल कोर i3 11 जनरेशन, एकदम ही पावरफुल प्रोसेसर। इसमें भी आपको 8GB की रैम मिलती है जिसमें से 4GB रैम ऑनबोर्ड है, एंड 12GB तक इसकी रैम को आप एक्सपैंड कर सकते हो, एंड इसमें आपको जो रैम मिलती है वो 3200 MHz वाली है DDR4। स्टोरेज की बात करें तो देखो 512GB की M.2 NVMe SSD है, सुपर फास्ट, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा 2.5 इंच स्लॉट है टू एक्सपैंड दी स्टोरेज। इंटेल USD ग्राफिक्स, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, इसी के साथ ही ईथरनेट के अलावा बाकी सारी पोर्ट्स की सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में भी मिल जाती है, एंड सिर्फ 1600 ग्राम्स वजन है इसका, तो इसे भी कैरी करना एकदम ही आसान है। बैटरी बैकअप आपको अराउंड 6 घंटे तक का इजीली मिल जाएगा ऑन नॉर्मल यूसेज। तो ऑल इन ऑल मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है ये, जस्ट गो फॉर इट। एंड इन केस अगर आपको यही मॉडल ओवर प्राइस मिले या फिर अवेलेबल ना मिले तो Lenovo IdeaPad Slim 3 को बाय कर लेना, दोनों ही लैपटॉप्स में कोई भी फर्क नहीं है किसी भी चीज का, दोनों ही डिट्टो सेम है। लिंक्स आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बस Lenovo IdeaPad 3 का प्राइस है 42,000 रुपीस एंड Lenovo IdeaPad Slim 3 का प्राइस है 46,000 के करीब। So yeah, these are the best laptops under 45,000 rupees in 2022. ये जितने भी laptops मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ना, ये सभी एकदम ही best options हैं इस budget के। आप इनमें से किसी भी laptop को आंखें बंद करके buy कर सकते हो, इनमें आपको performance wise 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। And in case अगर आपकी कोई भी query है किसी भी तरह की, then उसे आप comment कर दो, and please यार video को like and share करो। Thanks for watching the video guys, peace out. Check the mic and make sure it sound right, boys.